नहीं, व्हीकल डिस्कस करना है। व्हीकल हमारे पास कोई भी कैरियर हो सकता है, कोई भी इनर्ट मीडियम हो सकता है। हम इसको डोजेज फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई भी कैरियर हो सकता है, कोई भी इनर्ट मीडियम हो सकता है जो के यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट। इनर्ट मीडियम का मतलब ये हो गया कि किसी टाइप का कोई रिएक्शन कॉज नहीं करेगा, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़ीरो होगी। तो ये हमारे पास कैरियर भी हो सकता है, इनर्ट मीडियम भी हो सकता है जो कि एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा होता है। अब ये यूज़ किस तरीके से हो रहा होता है, ये कैरी कर रहा होता है हमारे पास मेडिसिनली एक्टिव एजेंट को। ठीक है, तो हमारे पास ये कोई भी कैरियर है, कोई भी इनर्ट मीडियम है जो कि एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा, और हमारे पास मेडिसिनली एक्टिव एजेंट को ये कैरी करेगा। अब हमारे पास होता ये है कि एक जो डोजेज फॉर्म होती है उसमें हमारे पास एक्टिव भी होते हैं, APIs भी होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी होते हैं, और हमारे पास एक्सिपेंट्स भी होते हैं। तो इट्स वन ऑफ दैट जो कि मेडिसिनली जिसका कोई पर्पज़ नहीं है, बट ये एज अ कैरियर एक्ट कर रहा है, एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लिसरॉल सपोजिटरी है, ग्लिसरॉल सपोजिटरी में हम लोग वाटर को ऐड करते हैं। अब जो वाटर है ना, वो हमारे पास एज अ कैरियर एक्ट कर रहा होता है। ग्लिसरॉल सपोजिटरी में ग्लिसरॉल, जेलेटिन और वाटर तीन इंग्रेडिएंट होते हैं। तो वाटर जो है वो इन दो इंग्रेडिएंट को कैरी कर रहा होता है। तो वाटर हमारे पास एज अ व्हीकल एक्ट करेगा। दैट्स ऑल।